हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से एक्चुअल में पैसा कैसे कमाएं 2024 में, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और मुझे पर्सनली इस सीरीज में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि इस सीरीज में हम कुछ ना कुछ डेली सीख रहे हैं, कुछ नया हम सीख रहे हैं, कुछ नई चीजें हमारी जिंदगी में एड ऑन हो रही है जिससे हम अपने करियर में ग्रो कर पाएंगे। मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप पूरी वीडियो जरूर देखना इस सीरीज की, जो भी ये सीरीज आ रही है। इसमें मैं प्रॉपरली आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीजें बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो, किक स्टार्ट दे सकते हो अपने करियर को। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना है 2024 में, तो कुछ चीजों का जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो ध्यान किस चीज का रखना है, सीधा पॉइंट्स को समझते हैं, और ये पॉइंटर आपकी बड़ी हेल्प करते होंगे। सीधा बिना टाइम वेस्ट किए 4 से 5 मिनट में आपको मैं वो चीजें बता देता हूँ जिसमें लोग आधा आधा एक एक घंटा ले लेते हैं। सबसे पहला, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हो 2024 में, तो आपको सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में ना ट्रेंड बहुत जल्दी बदल जाता है, अलग अलग ट्रेंड होते हैं, इंडियन इमोशंस बेस्ड डिसीजन ज्यादा लेते हैं। तो क्या होगा ना, आपको यहाँ पे मार्केट ट्रेंड समझना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटीज को समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है एक्चुअल में अभी। उसके बाद मान के चलो आपने कोई भी एक स्किल पकड़ ली, या फिर आपने कई स्किल पहले पता करी जो मैं लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ, तो वो एक बार जरूर देखना कि कैसे स्किल्स के थ्रू अर्निंग की जाती है। अब मान के चलो उनमें से जिस भी स्किल्स को आपने चूज करा, तो अब आपको क्या करना है ना, आपको कंटेंट क्रिएट करना चालू करना है, आपको कंटेंट बनाना चालू करना पड़ेगा। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे कई लड़कियां हैं जो ग्राफिक डिजाइनर है, तो वो क्या करती है, रील्स क्रिएट करती हैं, लेट्स रिक्रिएट दिस लोगो, लेट्स रिक्रिएट दिस रील, ऐसा करके वो क्या करती हैं, अपना वर्क शोकेस करती हैं, जिससे उनको जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो उनको पे करने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका काम देख चुके होते हैं। तो आप अपने काम को शोकेस जरूर करो, आप बताओ, मार्केट करो रील्स के थ्रू। बहुत अच्छा आज के टाइम पे आप मार्केट कैप्चर कर सकते हो, जिससे आपके पास ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक आएगा तो ऑब्वियसली आप अर्निंग कर पाओगे। अगली, जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप यूट्यूब के ऊपर कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम के ऊपर कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उस कंटेंट को SEO जरूर करो। SEO का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिसमें आपका ट्रैफिक उस पर्सन तक पहुंचे जिसके लिए वो कंटेंट एक्चुअल में बनाए। सरल रूप से अगर समझा जाए तो आपको SEO इसलिए भी करना जरूरी है, ताकि मान के चलो किसी ने लीड जनरेशन सर्च करा, आपने वीडियो तो डाल दी लीड जनरेशन की, पर उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे वो रैंक करे या फिर उस पर्सन तक पहुंचे जिसको लीड जनरेशन सीखना है, तो नहीं कर पाओगे, फिर नहीं जाएगी आपकी रीच भी, नहीं जाएगी तो मजा नहीं आएगा। कहने का पर्पस है, SEO सीखो, अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विजिबिलिटी हो और एक अट्रैक्टिव ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे पास आए। अगला, सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग करना चाहते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के टाइम पे हर कंपनी चाह रही है कि उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग डन करके दे दे कोई, कोई और कर दे, वो ना करे। तो आप सीखो ना ये चीज़, इसको सीखो। आपको सारे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना आना चाहिए, भले वो फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ताकि आप उस कंपनी के पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच पाओ। अगला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू कंसिस्टेंट सेल्स आती हैं कई कंपनीज की, जो है ईमेल मार्केटिंग। आपको ईमेल मार्केटिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ईमेल लिस्ट बिल्ड करना। अब मान के चलो आपने एड रन कराया, कुछ भी करा, तो उससे आपके पास डाटा आ जाता है, और जब आप उस ईमेल की लिस्ट बना लेते हो, फिर आप उनको जब कोल्ड मेल्स करते हो, ऑटोमेटेड मेल्स जाते हैं, और आप अपना प्रोडक्ट कई बार पिच करते हो, कई बार आप उनको वैल्यू देते हो, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो आपसे परचेज करेंगे आपका प्रोडक्ट, और इसके थ्रू बहुत अच्छा रेवेन्यू लोग जनरेट करते हैं। तो ईमेल लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, पर्सनलाइज कैंपेन रन करो और डायरेक्ट इंगेजमेंट चालू कर दो लोगों के साथ। बस डाटा आना चाहिए, एक बार डाटा आ गया तो डाटा सोने के समान होता है, गोल्ड जैसा होता है। तो ईमेल मार्केटिंग आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पे पर क्लिक PPC, टेक चार्ज ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड अर्न इनकम फ्रॉम एवरी क्लिक जनरेटेड ऑन द एड्स यू मैनेज। आप ऐसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करो जिससे आपको पर क्लिक होने पे अर्निंग इनकम होना चालू करें। ऐसी कई कंपनीज होती हैं जो चाहती हैं कि उनके एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, बस उनका ऐड पहुंच जाए, वो क्लिक कर दें, वो उसका भी पैसा देते हैं। अब इसके बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इन डेप्थ समझनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको रोड मैप दे रहा हूँ। रोड मैप का मतलब क्या होता है कि ये रास्ता है भाई इसे अर्न करने का, और इन डेप्थ सीखना है तो उसके लिए मैं बाद में वीडियो जरूर डालूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना उसके लिए। अगला, डाटा एनालिटिक्स। आपको डाटा एनालिटिक्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे बिजनेसेस कभी डाउन जाते हैं, कभी अप जाते हैं, कभी सेल्स अप जाती हैं, कभी सेल्स डाउन जाती हैं, तो वो डाटा ही होता है जो आपको
ऊपर लेके जाता है कि हाँ ये डाटा बहुत अच्छा है, ये डाटा सही नहीं है, इस डाटा के थ्रू हमारी कन्वर्जन बहुत अच्छी आ रही है, इस डाटा के थ्रू नहीं आ रही है। तो डाटा मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जब कोई भी डिसीजन लो अपना डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी में या फिर आप अपना जब एज अ फ्रीलांसर काम करोगे, तो आपको डाटा ड्रिवन डिसीजन लेने हैं ताकि आप अगले के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी बना पाओ। 9th, कंसल्टिंग सर्विस। अब कंसल्टिंग सर्विस भी चालू करो, ऑफर योर एक्सपर्टीज टू बिजनेसेस लुकिंग टू इंप्रूव देयर डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज चालू करो, आप बताओ कि वी आर ओपन फॉर द सर्विस। अगर आपको बिजनेस में कोई भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेरीज हैं, इशू है, वी आर ओपन फॉर इट। आप उनको बताओ कि उनका बिजनेस कैसे सही होगा, कैसे वो और डिजिटली ग्रो कर सकते हैं, कैसे वो डिजिटली और स्केल कर सकते हैं, और उस चीज का पैसा लेना चालू करो भाई। सिंपल है, कोई मुश्किल चीजें नहीं है, बस सीखना जरूरी है। एंड लास्ट, जब आप अच्छे मुकाम तक पहुंच गए हो, आपको स्किल्स आ गई हैं, आप सीख गए हो, आप नरिश हो गए हो, आप एक हीरे बन चुके हो आप, तो आपको ना खुद की एजेंसी स्टार्ट करनी चाहिए। जब अगर आपका मन है, आपकी एक्सपर्टीज है, आप किसी स्किल में बहुत अच्छे हो गए हो, आप एड्स में बहुत अच्छे हो गए, एसईओ में बहुत अच्छे हो गए, कॉपी राइटिंग में बहुत अच्छे हो गए, अपनी खुद की एजेंसी चालू करो। आपके एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हुए अपने ऑफर्स रेंज बनाओ अच्छी, और कंपनीज को और बिजनेसेस को पिच करो। और ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो। मैं इसका पार्ट टू भी लेकर आऊंगा, जिसमें मैं, अगर इसमें मुझे पता है कई चीज़ें तुम्हें क्लियर नहीं हुई है, तो पार्ट टू के लिए इस वीडियो पे क्लिक कर देना, या फिर ये वीडियो प्रोबेबली एक हफ्ते में अपलोड हो जाएगी, तो उस वीडियो को जरूर देखना। इसमें आपको और भी क्लियर हो जाएंगे कि कैसे नीश फाइंड करनी है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या रास्ते हैं, एवरीथिंग उस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सो आई होप आपको यह समझ आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग कैसे करनी है आपको 2024 में। याद रखना, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस होना है ना, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट बेसिस पे नई चीजें सीख रहे हो, नई चीजें अडॉप्ट कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजीज को समझ रहे हो, और अपनी ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा आप समझ रहे हो। नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करना चालू करना, नई नई चीजें सीखना चालू करना, तब जाके आप अपनी जनता को वो चीज डिलीवर कर पाओगे जो उनके लिए जरूरी है। सो गुड लक, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। और बस यार, स्टार्ट करो। मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि तुम ग्रो करो अपनी जिंदगी में करियर के थ्रू, और डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर जरूर बनाए। वी आर ग्रोथ हैक्टेड। थैंक यू सो मच। जिद है तो जीत है। बाय।